आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज मैं आपके सामने जो रेसिपी पेश कर रही हूँ वो है दम पुख्त कीमे की। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिल सकें। हाफ के जी मेरे पास कीमा है, बीफ का कीमा है, 1 टीस्पून या 2 टेस्ट नमक, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून मेरे पास कचरी पाउडर है, 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 से 4 टेबल स्पून लेमन जूस, दही जाएगी 1 कप, 2 अदद बड़ी प्याजे हैं इन्हें मैंने चॉप कर लिया है, इसी अदरक जाएगी, 1/2 टीस्पून साबुत काली मिर्चें और 2 स्मॉल कार्डमम यानी छोटी इलायची, 1 टीस्पून काला जीरा, 1 टेबल स्पून सफ़ेद जीरा, 1 टीस्पून खशखश पॉपी सीड, 1 टीस्पून बादाम इन्हें मैंने चॉप कर लिया है, 2 टीस्पून बेसन या चने का आटा, बेसन को मैंने हल्का सा जो है वो ड्राई रोस्ट कर लिया है, इसके अलावा हरी मिर्चें हैं चॉप्ड 5 से 6 अदद, ऑयल है जिसका आखिर में हम दम देंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर नमक, सोया मिर्च का पाउडर, कचरी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट और लेमन जूस, दही सारे मसाले डालकर हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये दही में मैंने सारे मसाले मिक्स कर लिए हैं, अब दही को हम कीमे के अंदर डालकर इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन आधा घंटा, बाद बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे। दही में मसाले लगाकर तकरीबन इसे आधा घंटा हो गया है, यहाँ पर मैं बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो भी ऐड कर दूंगी, खशखश, बादाम, जीरा, काला जीरा, बेसन, हरी मिर्चें, हरी मिर्चें मैं बचा लूंगी एंड पे डालने के लिए, छोटी इलायचियाँ 1 से 2 और काली मिर्चें, इसको मिक्स करेंगे 10 से 15 मिनट मैं इसे रख दूंगी मैरिनेशन के लिए। ये 10 से 12 मिनट मज़ीद मैंने सारे मसाले डाल के इसे मज़ीद रख दिया था, अब इसकी हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये इसे मैं ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। यह कढ़ाई में मैंने जो है ऑयल डाल के रख दिया है, तकरीबन 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है, ये कीमा डाल दूँगी, और इसे बिल्कुल हल्की आंच पे मैं पकने के लिए रखूँगी कि कीमा भी गल जाए, सारा पानी ड्राई हो जाए। ये हमारा कीमा जो है वो रेडी हो चुका है, इसे तकरीबन आधा घंटा मैंने कुक किया है, इसके अंदर बेसन डला हुआ है इसलिए बीच में 1-2 चम्मच चलाइएगा वरना नीचे लग जाएगा। ऑयल भी सेपरेट हो चुका है इसका, यहाँ पर मैं जो मैंने हरी मिर्चें बचाई थी वो डाल देंगे, अदरक जुलियन प्याज है ये हम डाल देंगे, और इधर मैं आपको दिखा दूँ कि वहाँ कोयला मैंने रख दिया है जलाने के लिए, इसका हम दम देंगे। ये मिक्स करने के बाद मैं इसको चूल्हा बंद कर दूंगी और अब मैं कोयले का इसका तेल धुआं दूंगी। डबल रोटी का या रोटी का पीस आप रख लें। ये कोयला हो चुका है, इसको मैं इसके अंदर रखूंगी, ऑयल इसको हम फौरन बंद कर देंगे। ये दम हो चुका है, इसको हम रिमूव कर देंगे और इसे मैं डिश आउट करूंगी। दम पुख्त कीमा रेडी है, उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, अपने फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, मेरे चैनल समय रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नई से नई वीडियोस मिल सके। अपने गांव मुझे याद रखिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।